स्वागत है आपका अपने चैनल सुषमा की रसोई में। और आज मैं लेके आई हूँ मकर संक्रांति पर तिल गुड़ की रेसिपी, जो हर घर में बनने वाली रेसिपी है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसे छोटे से लेके बड़ों को सबको पसंद आती है। इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, 200 ग्राम सफेद तिल लिए है, और हमने एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने गर्म होने के लिए रखी हुई है। और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम तिल डालेंगे। गैस हम धीमी आंच पर ही रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते चलाते ही इसे भूनेंगे। तेज गैस पर ही हम इसे भूनेंगे, तेज गैस पर ये जल जाएंगे और इसका कड़वापन आएगा हमें टेस्ट में, इसलिए हम धीमी आंच पर इसे ऐसे ही रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। इसका कच्चापन भी खत्म हो गया और कलर भी देखिए इसका चेंज हो चुका है। गैस कर लेंगे बंद हम इसका अब, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से हमने वही कढ़ाई ली है और इसमें हम देसी घी 2 चम्मच ऐड करेंगे और साथ में हम डालेंगे गुड़। गैस हमने धीमी आंच पर ही रखनी है, धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से चलाएंगे इसको, और 2 चम्मच के करीब हम इसमें मालें ऐड करेंगे। गुड़ के पीस इस तरह से छोटे छोटे करके लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मैश आसानी से हो जाए। गुड़ हमारा अच्छी तरह से पिघल चुका है, इसे हम एक कटोरी में पानी लेकर चेक कर लेंगे गुड़ हमारा अच्छी तरह से पका है कि नहीं। ये देखिए अभी तार है, इसमें थोड़ा सा और पकाएंगे हम गुड़ को। इस तरह से आप चेक करके देखेंगे, अगर थिंकिस ज्यादा है तो गुड़ हमारा पक चुका है, अभी थिंकिस में कम है, इसलिए अभी गुड़ को हम और पकाएंगे जब तक हम एक प्लेट लेंगे। इस तरह से हम प्लेट में ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ। इस तरह से हमने चारों तरफ थाली पर ऑयल लगा लिया। चलो हम गुड़ देख लेते हैं। अब चलो गुड़ आप फिर एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए गुड़ हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, अब गैस कर देंगे हम लोग। इसमें हम एक सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे हमारे तिल के गुड़ के लड्डू है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, वो है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा 2 पिंच। गैस बंद करके ही हमने इसमें ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसमें ऐड करेंगे तिल और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए तिल और गुड़ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे सभी। इसे आप जोन सी चाय शेप दे सकते हो, चौरस, गोल, फिंगर की शेप भी दे सकते हो। इस तरह से हम हल्के हल्के गर्म गर्म लड्डू बना लेंगे हाथ पर ऑयल लगाकर, हाथ भी नहीं और गरम गरम हमारे हाथों को नहीं लग रहे हैं और फटाफट से बन रहे हैं। एक एक करके हमने सभी लड्डू रेडी कर लिए हैं, कितने अच्छे हमारे गुड़ और तिल के लड्डू बने हैं, शाइनिंगदार, चमकदार। आप भी मेरे इस तरीके से एक बार घर पर जरूर बना के देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हो गाइस पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि मैं आपके साथ इससे भी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूं। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।